ईमान, इनाया और नूरा के साथ ईद के लिए तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और ये मेरी छोटी बहन इनाया है। हम दोनों ईद की आमद पर बहुत खुश हैं। हमें ईद बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हम खूबसूरत नए कपड़े और चूड़ियां पहनते हैं। मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है और इनाया का पसंदीदा रंग नीला है। क्या आप ईद के कपड़े चुनने में हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप चूड़ियां चुनने में हमारी मदद कर सकते हैं? ईद के कपड़े चुनने में हमारी मदद करने का बहुत शुक्रिया। अब हम एक बड़ी ईद की दावत के लिए तैयार हैं। आप इस साल ईद पर क्या पहनेंगे? ये ईद हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम ये ईद अपनी नई छोटी बहन नूरा के साथ मनाएंगे। नूरा बहुत छोटी है, वो चूड़ियां नहीं पहन सकती और मेहंदी भी नहीं लगा सकती। आमना और कासिम की तरफ से भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना हूँ और ये मेरा छोटा भाई कासिम। ये सिर्फ 2 साल का है, वो अभी बातें करना सीख रहा है। ईद आने वाली है, मैं उसे ईद मुबारक बोलना सिखा रही हूँ। ईद मुबारक का मतलब है ये खुशी का दिन आपको मुबारक हो। क्या आप कासिम को ईद मुबारक बोलना सिखाने में मेरी मदद कर सकते हैं? शाबाश, मेरे साथ कहो ईद मुबारक। बहुत आला, मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद वो ईद मुबारक बोल सकेगा। हमारे खानदान की तरफ से आपके खानदान को ईद मुबारक। मिकाइल और अमीर की ईद की तैयारी। मिकाइल के वालदैन उसे ईद की मुबारकबाद देना सिखा रहे हैं कि ईद के दिन जिनसे आप ईद मिलते हैं उनको 3 बार गले लगाते हैं। मिकाइल ईद के दिन अपने नए दोस्त अमीर से गले मिल रहा है। क्या आप गिन सकते हैं कि हम कितनी बार गले मिले? बहुत खूब, हम ईद पर गले मिलना पसंद करते हैं। आप भी ईद पर अपने दोस्तों और खानदान वालों से गले मिलें। आमना और आयशा जिया के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। आमना और आयशा ईद के दिन बावर्ची खाने में अपनी अम्मी की मदद करती हैं और मजेदार खाने बनाती हैं। आमना को कबाब और आयशा को खीर बहुत पसंद है। उनकी पड़ोसन केली और पूजा भी ईद पर आ जाती हैं और सब मिलकर मजेदार ईद के खाने खाते हैं। उनका छोटा भाई जिया भी उनकी मदद करना चाहता है लेकिन वो बहुत छोटा है और बावर्ची खाने में गंदगी फैलाता है। वो खाना तैयार होने का इंतजार कर रहा है। आमना और आयशा उसे खाना देती हैं और खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहती हैं। क्या आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? हमारे साथ बोलें बिस्मिल्लाह। बहुत आला, हमें हमेशा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी ईद पर मजेदार खाने खाएंगे। अलीना और आनिया ईद पर मेहंदी लगाएंगी। ये अलीना और आनिया की पहली ईद है, वो मेहंदी लगवा रही हैं और बहुत खुश हैं। अलीना अपने लिए मेहंदी चुन रही है, आनिया इसकी मदद कर रही है। तितली, दिल या फूल में से क्या बनवाऊं? बहुत अच्छा अलीना, मदद के लिए शुक्रिया। देखो हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। स्कूल में उनकी सहेलियों ने उनकी मेहंदी को बहुत पसंद किया। अगली बार फौजिया और मरीना भी मेहंदी लगवाकर ईद की खुशियों में शामिल होना चाहती हैं।